हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सेवई की खीर। सेवई की खीर बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। सेवई की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सेवई, 1 कप दूध, 3/4 कप चीनी, 12 से 13 काजू, 10 से 12 किशमिश, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। फ्लेम पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डाल देना है। घी को पिघलने देते हैं। घी पिघलते ही हम 1 कप सेवई डाल देंगे। अब लो फ्लेम पे सेवई को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट बाद काजू डाल देंगे, किशमिश। अब लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के बाद 1 ग्लास पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके उबाल आने देते हैं ताकि सेवई अच्छे से पक सके। उबाल आ चुका है, एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब फ्लेम को लो कर देंगे और 1 कप दूध डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हाई फ्लेम पे गाढ़ा होने देंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। खीर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब खीर में हम 3/4 कप चीनी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे खीर को गाढ़ा होने देंगे और बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि कढ़ाई के नीचे के हिस्से में खीर चिपके ना। इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। खीर हमारा बनके रेडी है। फ्लेम को बंद कर लेते हैं।
खीर को हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। और किशमिश से गार्निशिंग कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमारा टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी खीर बनके खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।